ये रोड नहीं बना थे अंदर थे, फिर अभी के अंदर थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ खाली नोट कमा के गए, खाली नोट, खाली भाषण देते गए, ये जात वो जात वो जात। चार नगर से कुंडा में। अरे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते मेरे अजीज दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों और मेरी पर्दानशी बहनों, मैं आज जो ये निर्णय लिया हूँ, मेरा ये निर्णय लेने का ये मकसद है कि आज जो भी मैं देख रहा हूँ मेरी ज़िंदगी का, मैं यहाँ का स्थानीय हूँ सबसे पहली बात, और मैं देख रहा हूँ कि हड़पसर मतदार संघ के अंदर अभी जितने लोगों ने उम्मीदवारी के लिए अपनी अपनी जगह रखी है और टिकट मांग रहे हैं, तो मैं इनसे सवाल करता हूँ, इनका सबसे पहले ग्राउंड मेरी जिंदगी के मैंने 17 साल दिया। अगर आप जीत कर आते तो आप आगे क्या करेंगे? मैं अगर भाई आज मैं देखो, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं कोई राजकारण के अंदर आज मैं कोई भी कोई पार्टी के पीछे काम नहीं किया, तो मैंने बिना पार्टी के और बिना पावर के, मतलब मैंने गवर्नमेंट से भी कुछ आज तक मैंने मदद नहीं ली, मैंने बिना पावर के अल्लाह की मदद मेरे साथ में रूबरू हुए, मैंने बस लोगों के काम करा बिना पदवी के। तो सोचो मैं जब मैं आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, अभी आप इस पर अंदाजा लगाओ, मैं बिना कुछ करे मतलब बिना पदवी के मैंने इतने काम किया, और मैं जब पदवी लेके आऊँगा या मैं अल्लाह ने बोलते ना, अगर मेरे को समझो जिताया तो मैं इंशाल्लाह भाई बाकी लोकांना पण चान्स द्यावा असं वाटतं ना, त्यांना पण वाटतं की बाबा आता आपण इथे 17 वर्षापासून आपण नाही का आपले हे लाईफ घालवली नाही का गरीब। किती वर्ष झाले तुम्हाला कोंडव्यात? माझा जन्मच कोंडव्याच आहे। तर काय अवस्था आहे आधीची कोंडामध्ये आणि आता कोंडामध्ये काय अवस्था काय? जास्त एवढं तर काय म्हणजे असं काही फरक नाही झाला। जाना आहे तो रोड बडे है, आधा घंटा तो आपको रुकना ही पड़ेगा। हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ पर है कोंडवा में, कोई है आज यहाँ पर? रोड वाइडिंग का मसला तब भी था जब क्या है कोंडवा के अंदर जी वही तो क्यों नहीं हो पा रहा है, और उनका खुद का जो ऑफिस है क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं? आपने तो सवाल किया था अभी जी, हमने इससे पहले भी सवाल किया था, हमने जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है ना जब वोट मांगने के लिए तो ये आपको वोट देंगे, लेकिन हमारा क्या, आम जो पब्लिक है उनका क्या? ये रोड नहीं बना दिया, कुछ नहीं कर, खाली माल खाने को बैठे ले लो, और ये और सबसे बड़ी बात है हनीफ भाई जो झोपड़पट्टी में हम अनाज बांटते दिन रात मेहनत करते, खून हमारा एक पानी के जैसा बहाते हम, और मेरे भाई को वोट ये टिकट नहीं मिला, राम टिकट ही, अरे सैयद नगर मैं अकेला इसके लिए वोट लाऊंगा, अकेला आदमी कार्यकर्ता मैं अकेला से। जो पिछले अमदार थे फिर जो अभी के अमदार थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ खाली नोट कमा के गए, खाली नोट, खाली भाषण देते गए, ये जात वो जात वो जात। चार नगर से कुंडा में। अरे गड्ढे नहीं बन रहे यार, कितने गिरते हैं लोग रोज मालूम है तुमको? मैंने उतरने जा रहे हैं तो इसके ऊपर आप क्या नजरिया रखते हैं? सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूंगा कि हम लोगों को किसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना है, हम लोगों को किसी को टारगेट नहीं करना है, बस इतनी बात कहूंगा मैं आप सब लोगों से, ये हड़पसर मतदार संघ जितना है इसके अंदर जितने लोग हैं इन सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये गरीब तबके में से आया हुआ आदमी और गरीबी है, और ये गरीब रह के इतने